किराया भाड़ा सब डांड हो गया है। सब नए अधिकारी लोग अधिकारी जिसको ड्यूटी मिल जाता है वो अपने नाज में रहता है, यही सब आह लगता है ना, कहीं कहीं नुकसान हो जाता है। बताइए हमारा किराया भाड़ा भी लगा गया यही सब आह लगता है ना, कहीं कहीं नुकसान हो जाता है। बताइए हमारा किराया भाड़ा भी लगा गया। ये गोरखपुर जिले के खीरी डांड की रहने वाली रुक्मणी देवी हैं। गरीबी और तंगहाली से जूझ रही इस महिला ने कुछ दिन पहले अपना 5 क्विंटल धान बेचने के लिए सरकारी क्रय केंद्र पर अपने बच्चों को भेजा था। क्रय केंद्र वालों ने यह कहकर इनका धान खरीदने से मना कर दिया कि इनके गांव में तो बाढ़ आया था। क्रय केंद्र वालों का तर्क था कि बाढ़ में धान कैसे पैदा हो गया। रुक्मणी देवी की तरह ही इस गांव के कई और लोग अपना थोड़ा बहुत धान सरकारी क्रय केंद्र पर बेचना चाहते थे, लेकिन बाढ़ का हवाला देकर इन लोगों का धान भी खरीदने से मना कर दिया गया। अजय साहब, आप एक परिवार के लोग हैं? हम लोग भाई हैं। हाँ, ये आइए माता जी। हाँ, पिताजी हैं नहीं। ओह, उनको तो 22 साल हो गए। हाँ, जब वे लोग छोटे थे तभी। तो मतलब तो 5-6 क्विंटल आप लोगों का मतलब बहुत ज्यादा धान नहीं होता है क्या? कहाँ से ज्यादा हो, जैसे नीचे की तरफ रेट भी ज्यादा नहीं है ना। हाँ, ज्यादा नहीं है। जैसे इनके पापा 3 भाई थे तो सब लोग अपना अपना हिस्सा सब अलग है, तब कितना होगा उसमें, बच्चे भी कर भी नहीं पाते हैं उतना बढ़िया। अच्छा, इधर बाढ़ से धान जो है तो मान लीजिए जो 5 क्विंटल आप धनवा ले गए थे तो वो जब वापस कर दिए तो फिर उसको क्या किए? किराया भाड़ा सब डांड हो गया है। सब नए अधिकारी लोग अधिकारी जिसको ड्यूटी मिल जाता है वो अपने नाज में रहता है, यही सब आह लगता है ना, कहीं कहीं नुकसान हो जाता है। बताइए हमारा किराया भाड़ा भी लगा गया। पहला चीज, दूसरा कार्य था कि हमारा गाँव हुआ था बाढ़ में। अच्छा अच्छा, तो दिक्कतें भी थी, बोले कि बाढ़ वालों को नहीं लिया जाएगा। उनको कहा पता कि भाई अब तो कुछ पैसा मिला था गाँव, हम लोग तो नहीं मिला था, गाँव में पैसा मिला था। तो ये भी कारण था कि अगर मान लीजिए बाढ़ आए थी तो धनवा कहाँ से हो गया। अच्छा, हम लोग बोले गाँव फंसने जाएगा अच्छा, वहाँ सेंटर पर लोग कहे कि बाढ़ आया था तो जांच में प्रॉब्लम हो जाएगा कि जब बाढ़ आ गया तो धान कैसे जाएगी। हम लोग खेतवा तो ऊंचा साइड हो जाता है, ये बात नहीं है। बाकी दक्षिण साइड था तो वहाँ बूढ़ गया था, लेकिन निकल गया था, जरूर हो गया था 70%। लेकिन धान नहीं बेचे थे। चावल मतलब प्राइवेट में बेचे होंगे? प्राइवेट में। यह सच है कि बाढ़ की वजह से इस गांव के ज्यादातर किसानों का धान बर्बाद हो गया था। कुछ गिने चुने किसान थे जिनके खेत में थोड़ा बहुत धान पैदा हुआ था और उसी में से वे सरकार को बेचना चाहते थे। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि खीरी डांड के रहने वाले दुर्गविजय ने 9 जनवरी को अपना 90 क्विंटल धान खाद्य विभाग की पिपरौली विपणन शाखा पर बेचा है। किसान पंजीकरण के दौरान दुर्गविजय ने जो जमीन दिखाया है उसका खाता संख्या 00245 और 00247 है, यानी कि दुर्गविजय ने इसी जमीन पर 90 क्विंटल धान पैदा करके सरकार को बेचा है। खबर अब तक की टीम ने जब इस मामले में अपनी पड़ताल शुरू की तो पता चला कि दुर्गविजय ने जिस जमीन को अपना बताकर 90 क्विंटल धान सरकार को बेचा है, दरअसल वह जमीन तो राजस्व रिकॉर्ड में उसी रुक्मणी देवी और उनके बच्चों के नाम दर्ज है जिनका महज 5 क्विंटल धान बाढ़ का हवाला देकर खरीदने से मना कर दिया गया था। इसी तरह खीरी डांड के अरविंद कुमार राय 13 जनवरी को अपना 98 क्विंटल धान इसी क्रय केंद्र पर बेचते हैं। बतौर किसान पंजीकरण के दौरान अरविंद ने जो जमीन दिखाया है उसका खाता संख्या 00194 व 00195 है, जबकि राजस्व रिकॉर्ड में
यह जमीन राम नारायण तथा इनके परिवार के अन्य सदस्यों के नाम दर्ज है। राम नारायण का दावा है कि न तो उनके खेत में धान पैदा हुआ है और न ही उन्होंने सरकार को धान बेचा है। इस गांव के रहने वाले एक और किसान सूरज कुमार ने भी अपना 98 कुंटल धान 23 दिसंबर को इसी क्रय केंद्र पर बेचा है। किसान पंजीकरण के दौरान सूरज कुमार ने भी जो जमीन दिखाया है, दरअसल राजस्व रिकॉर्ड में वह जमीन भी किसी और के नाम दर्ज है। खूब धान भइल थे। अरे महाराज, आप लोग से झूठ बोल जाता, ये हमारे परिवार सब हम के घर है, सब एक सब घर है, तो मैंने सब अने लगे सब मैंने खाटी सब एक तो कहा आप लोग जब दिया जाता चावल खाई जाता और सब खेत बुड़ल है। अब जिम्मेदार अधिकारी ही सामने आकर यह बता सकते हैं कि जिस गांव के किसानों का महज 5-10 कुंटल धान बाढ़ का हवाला देकर नहीं खरीदा गया, उसी गांव के नाम पर जालसाजों ने कैसे कई 100 कुंटल धान सरकार को बेच दिया।